बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ कोकोनट की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसमें मैंने पिंक कलर ऐड करते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिफरेंट सा शेप दिया है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। कोकोनट की इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान है। ना तो इसमें घी की ज़रूरत है हमें, ना कंडेंस्ड मिल्क, और ना ही हमें खोया चाहिए। बहुत ही जल्द बनने वाली ये रेसिपी है, तो चलिए ये इस ब्यूटीफुल सी कोकोनट की मिठाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुँचे। यहाँ पर मैंने ले लिया एक फ्राइंग पैन, फ्लेम को मैंने लो पर ऑन कर लिया, और सबसे पहले यहाँ पर लेना है एक कप दूध। आधा कप शुगर, मिक्स कर लेंगे। शुगर को मिक्स करते जाना है और दूध को हमने एक उबाल आने देना है। अब शुगर जो है वो दूध के अंदर डिज़ोल्व हो चुकी है और दूध को उबाल आना भी शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर हमने क्या करना है, ये नारियल का बुरादा है, डेसिकेटेड कोकोनट, एक कप मैं ले रही हूँ भर के, इसको ऐड कर देना, मिक्स कर लेंगे। कोकोनट डालते ही कोकोनट अपने अंदर दूध को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। देखें अभी ये लिक्विड ही है, लेकिन स्टिल इसको उबाल आ रहा है कोकोनट के साथ, क्योंकि हम इस मिठाई को बिल्कुल हलवाई स्टाइल लुक देना चाहते हैं और टेस्ट देना चाहते हैं। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास फ्रेश क्रीम है। आप चाहें तो नॉर्मल दूध के ऊपर जो बलाई आती है ना, वो आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूध के ऊपर बलाई वगैरह तो बिल्कुल नहीं आती, तो मैं नॉर्मल जैसे क्रीम होती है ना, डबल क्रीम, वो ले रही हूँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर हम डालेंगे ना तो इसके साथ बहुत ही अच्छा हमारी इस मिठाई का टेस्ट आएगा, और बहुत ही इसका टेक्सचर जो है ना वो क्रीमी रहेगा। थोड़ा थोड़ा ये थिक होना शुरू हो गया, इसका मतलब है कोकोनट फूलना शुरू हो गया है दूध के अंदर। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर बिल्कुल इसको खोए जैसा टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ड्राइड मिल्क पाउडर। ये मैंने लिया है हाफ कप। फ्लेम को हमने ज़्यादा हाई पर नहीं करना, लो पर करना है। कितना ये अब खोए जैसा क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर, 1/4 टीस्पून। इतनी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। केवरा वाटर है मेरे पास, ये मैं ले रही हूँ, सिर्फ एक ड्रॉप ही हमने यूज़ करना है। देखें एक ड्रॉप ही डालेंगे, इससे मिठाई के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अगर आपको इसकी खुशबू नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा थिक होने तक इसी तरह इसको पकाना है। बिल्कुल भी मैंने फ्लेम को हाई पर नहीं किया हुआ, लो पर ही है। अब ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है, बस थोड़ा सा इसको अभी हमने और पकाना है। आपने यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखना है कि इसकी राइट कंसिस्टेंसी जो है वो हमने किस तरह की रखनी है। अब इसने किनारों को छोड़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर देखें ये बिल्कुल सिमटना सा शुरू हो गया है, और थोड़ा सा यहाँ पर देखें ये शाइनी सा भी लग रहा है। बस इस तरह की हमने कंसिस्टेंसी रखनी है कि अगर हम ऐसे स्पून के साथ इसको ऐसे इकट्ठा करें ना तो ये हो जाए, और इस तरह अगर हम इसको करें तो ऐसे ये स्लिप हो हमारे पैन में।
जब इस तरह का आपको लगे कि टेक्सचर हो गया तो अब हमने क्या करना है, फ्लेम को कर लेना है ऑफ़, और इसको हमने इसी तरह थोड़ी देर पड़ा रहने देना है पैन के अंदर। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होता जाएगा, ये थोड़ा सा और हार्ड भी होता जाएगा। बस इसी तरह हमने इसको ठंडा करना है थोड़ी देर। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, अभी भी ये गर्म है। इसमें से मैं कर रही हूँ दो पार्ट, दो हिस्से कर रहे हैं। ये वाला जो हमने पार्ट कर लिया है मिठाई का, इसको हमने वाइट ही रहने देना है। ये वाला जो हमने हाफ लिया है, इसको हमने कलरफुल करना है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ जेल फूड कलर, ये रेड कलर है मेरे पास। इस साइड को मैंने पिंक कलर में करना है। आपको जो भी कलर वहाँ पसंद हो आपने कर ले रख लेना, चाहे येलो कर लें, चाहे ऑरेंज कर लें, चाहे ग्रीन कर लें। थोड़ा सा बस एक ही एक दो ही ड्रॉप डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, मिक्स कर लेंगे। अब हम इनको निकाल लेंगे, दोनों को सेपरेट सेपरेट ऐसे रख लेंगे प्लेट के अंदर। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लिया है, तकरीबन आधा टीस्पून ही होगा। हाथों को हमने ऐसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेना, थोड़ा थोड़ा हमने पीस लेते जाना, और हमने इस तरह इसको जो है ना शेप दे लेनी है इस तरह। इस तरह हमने रखते जाना है। इस तरह पहले हम वाइट के बना लेंगे, इस तरह सिलेंडर से हमने बना लेने हैं ऐसे। सारे हमने ये सिलेंडर से जो है ना वो तैयार कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरह एक हमने पिंक उठा लेना है और एक हमने वाइट उठा लेना है। दोनों को हमने ऐसे मिला लेना है, इस तरह कर लेना है। देखें ये कैसे आप जुड़ गया है, देखें कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। इस तरह फिर हमने एक दो ले लेने, इस तरह हमने जोड़ लेना है इनको। ऊपर से भी हमने ऐसे चपटी सी कर लेना है। ये वो मिठाई है जो जल्दी जल्दी बन जाती है, लेकिन देखने में और खाने में ये बहुत ही लाजवाब होती है। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसी भी शेप आपको पसंद है आप दे सकते हैं। ये मेरे पास कपकेक के केस हैं, पेपर के हैं ये, और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लगे इसलिए मैं इनको इसके अंदर ऐसे डाल रही हूँ। इस तरह देखें, देखने में ये कितनी अच्छी प्रोफेशनल मिठाई लग रही है। इस तरह हमने प्लेट के अंदर इनको रखते जाना। यकीन माने ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। यहाँ पर मेरे पास कोकोनट है, इसको मैंने कलर कर लिया है, तीन चार कलर में मैंने इसको जो है ना वो बना लिया है, और फिर मैंने कलर इनके अंदर डालकर तो मैंने ड्राई कर लिया है। ये मैं इसी तरह करके घर में रख लेती हूँ। अगर हमने इसको और भी मज़ीद खूबसूरत बनाना है, मैंने ये चुटकी भर के ले ली है कलरफुल कोकोनट की, तो ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल ही अब 100% बाजार जैसा बन गया है। इसको मैं इसके जोड़ के अंदर मिडल में लगा दूँगी फिंगर के साथ, और इसको प्रेस कर दूँगी। देखें कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और आपके लिए ये बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको आज की ये मेरी मिठाई की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।